दोस्तों शायद आप लोग इस झाड़ी के बारे में जानते होंगे कि ये कौन सी पत्तियां हैं और क्या बूटी होती है। तो दोस्तों आपने पुदीन हरा की तो गोली खाई होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि पुदीने का जो पेड़ होता है कैसे होता है। पुदीना एक झाड़ी होती है, ये जंगलों में भी मिल जाती है। पुदीना भी दो तीन प्रकार का होता है। जो पुदीना होता है उसकी जो महक होती है बहुत अच्छी होती है और खाने का टेस्ट भी अच्छा होता है। और पुदीना हमारे पेट के पाचन क्षमता को मजबूत करता है। और अगर हमारा पेट कभी ख़राब हो रहा हो, मान लो कि आपको दस्त लगे हैं या कुछ और लगा है, तो आप हर सब्ज़ी में भी पुदीना डालते हैं, चटनी में पुदीना डालते हैं, तो उसका टेस्ट जो होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पुदीना है। पुदीने को जब भी तोड़ते हैं तो इसकी पत्तियों को तोड़ते हैं, ना कि इसकी जैसे ही ऊपर से तोड़ दिया है, ऊपर से नहीं तोड़ते हैं इसको, हमेशा पत्तियों को तोड़ते हैं, जैसे ये पत्ती है। और पुदीने के ये नहीं कि पत्ती है तो आप इसको, आप पुदीने को वैसे भी खा सकते हैं, जैसे पुदीन हरा की गोली खाते हैं। तो पुदीन हरा की गोली और पुदीने की जो पत्ती, ये दोनों का असर जो होता है वो पुदीने की पत्ती का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो गोली बनाई जाती है वो उसके आधे से तो उसमें से ख़त्म कर दिया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, तो इसको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो पहाड़ों के अंदर ये नेचुरल चीज़ है। और पुदीने की चटनी आपने शायद खाई या नहीं खाई है, क्योंकि पुदीना अगर आप चटनी खाएंगे इसकी, इसमें आप मुंगरा डाल सकते हैं, पुदीना डालोगे, जो भी कुछ दो तीन आइटम है इसमें हरी मिर्च डालोगे, और उसको कूट कर जो बनाई जाती है उसको पुदीने की चटनी कहते हैं। आमों की भी चटनी बनाई जाती है, आम की जो चोइयाँ होती हैं उसको आप कूट कर पानी में डालकर फिर उसमें पुदीना डालें, तो उसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चटनी जो होती है वैसे भी चटाकेदार होती है। तो ये जो जड़ी बूटी है दोस्तों, इससे हमारे शरीर की काफ़ी बीमारियाँ दूर होती हैं, ये एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है। और पहाड़ों का जो पुदीना होता है सबसे फेमस होता है, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर ये होता है पानी वाले इलाकों में जहाँ पर पानी होता है, क्योंकि इसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। और पुदीना जो है गर्मियों में जितना ज़्यादा पुदीने का पानी पीते हैं उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि पुदीना हमारे शरीर के जितने भी कीटाणु हैं गंदगी है बाहर निकाल देता है, और हमारे शरीर के अंदर ये पानी की कमी नहीं होने देता। और जो गोलगप्पे होते हैं, गोलगप्पे के उसके पानी के अंदर भी पुदीने का वो डाला जाता है रस, कि जिससे पत्तियों को घोला जाता है, जिससे उसका जो टेस्ट अच्छा हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।